हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृति सैनों के बारे में। मेरा नाम है आरजे और मैं आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूँ। कृति का जन्म 27 जुलाई 1990 को दिल्ली में हुआ। कृति के फादर का नाम राहुल सैनो, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उनकी माताजी गीता सैनो, जो कि एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है नुपुर सैनो। आज कृति जिस मुकाम पर है उसकी वजह शायद नुपुर ही है। कृति हिंदू धर्म को बिलोंग करती है। कृति को मेडिटेशन, कुकिंग और क्रिकेट देखना पसंद है। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम दिल्ली से की। बचपन से ही कृति को ऋतिक रोशन पर क्रश था। स्कूल में उन्होंने बॉक्सिंग भी सीखी। उन्होंने स्टेट लेवल तक बॉक्सिंग खेली है। स्कूलिंग के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री करने के लिए JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में एडमिशन ली। एक दिन ऐसे ही घर पे कृति की सिस्टर उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। वो फ़ोटोज़ जब कृति के दोस्तों ने देखी तो उसे मॉडलिंग के लिए ट्राई करने को बोला। कृति को एक वेबसाइट पे कॉन्टेस्ट के बारे में पता चला। उन्होंने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और अपनी पिक्चर्स अपलोड की। उस कॉन्टेस्ट में कृति जीत गई। इस कॉन्टेस्ट के जीतने के इनाम में उन्हें अपना पोर्टफोलियो बनवाने का मौका मिला दाबू रत्नी से। इसके साथ साथ उन्हें एक साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला एक अच्छी एजेंसी में मॉडलिंग का। 2009 में पढ़ाई के साथ साथ ही उन्होंने प्रोफेशनल रैंप वॉक करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडिया की बिगेस्ट ब्रांड्स की मॉडलिंग की है, जिसमें अमूल आइसक्रीम, कैडबरी, क्लोजअप, होंडा ब्रियो, हिमालय, विवेल, इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, सैमसंग हीरो, रिलायंस ट्रेंड्स और कई सारे ब्रांड्स शामिल हैं। प्रीति पढ़ाई में भी अच्छी थी। वो पढ़ाई और मॉडलिंग दोनों को एक साथ मैनेज करती थी। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें दो जॉब्स के ऑफ़र मिले प्लेसमेंट्स के थ्रू, पर उन जॉब्स को उन्होंने मना कर दिया और वो मुंबई आ गई। 2014 में उन्होंने तमिल फिल्म में काम किया नैनो खदीने, और 2014 में उन्होंने बॉलीवुड में भी डेब्यू किया फिल्म हीरोपंती में। उस फिल्म में कृति मेन रोल कर रही थी टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट। वो फिल्म टाइगर श्रॉफ की भी डेब्यू फिल्म थी। दोनों डेब्यू कलाकार होने के बावजूद भी वो फिल्म सुपरहिट हुई। तभी से कृति की चर्चा लोगों में होने लगी। इसके बाद 2015 में उन्होंने फिल्म की दिलवाले, जिसमें शाहरुख खान, काजोल और वरुण धवन थे। इसके बाद उन्हें अक्षय कुमार के ऑपोजिट काम करने का मौका मिला फिल्म सिंह इज ब्लिंग में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें दूसरी फिल्म फर्जी का ऑफर आया था, जिसमें वो शाहिद के ऑपोजिट काम करना चाहती थी, लेकिन कुछ वजह से वो फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुई है। कृति हर फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ लेती है। कृति के पास BMW 3 सीरीज गाड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।